हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में जो हमारा एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होगा, यानी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, जिसमें लार्ज कैप वाली कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में रन करती है, फिर स्मॉल कैप मिड कैप वाली फंड कंपनियां हैं वो अपने मिड कैप इंडेक्स में रन करती है, फिर स्मॉल कैप वाली कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप में रन करती है। आप हमेशा मार्केट में जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर आपको बनाना है तो आपको हमेशा उस घोड़े के ऊपर दाव लगाना पड़ेगा जो स्पीडली भाग सके। अगर आप हाथी के ऊपर दाव लगाओगे तो वो कभी भी भागेगा नहीं, क्योंकि हाथी स्पीड से नहीं भाग पाता है, नहीं चल पाता है, नहीं भाग पाता है। कि इसी प्रकार से अगर निफ्टी 50 की कंपनियों का अगर हम एक इंडेक्स बनाते हैं या हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही स्लो इन्वेस्ट रहेगा, पर रिस्क फ्री रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क सबसे कम होगा। पर हमें हाथी की जगह, हमारी ये जगह कम है। अगर आप 30 इयर्स, 40 इयर्स या 35 इयर्स का से नीचे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई रहता है तो वही है स्मॉल कैप फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ही स्पीडली रन कर सकती है और वहीं से कंपनियां निकल के एक मल्टी बिगर कंपनी बनने की पोटेंशियल रखती है। तो स्मॉल कैप एक घोड़े की तरह काम करता है, तो हमें उसमें से चुनना है कि हमारे लिए हॉर्स राइडिंग के लिए सबसे बेस्ट हॉर्स कौन सा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप का ऐसा फंड जो आपको एक बेहतर रिटर्न बना के देख सके, जिसमें हम मिनिमम 2000 की SIP करेंगे हर मंथ, और ये आपको ऑब्वियसली 1 करोड़ के ऊपर की आपकी वेल्थ बना के देगा। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और कौन सा वो फंड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने साइट पे आ जाते हैं। देखिए, ये साइट ग्रो का है, हमारा कोई भी प्रमोशन का वीडियो नहीं है, हम केवल एजुकेशन से आपको सिखा रहे हैं। देखिए, ये जो फंड है उस फंड का नाम आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उस फंड का नाम है एक्सिस बैंक का। ये फंड है जिसका नाम है एक्सिस स्मॉल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और ये फंड आपको एक बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसने अलग अलग डाइवर्सिफाई करके बेस्ट कंपनियों को स्मॉल कैप में से चुना है। अगर हम बात करें तो इस कंपनी का ओवरऑल अगर हम रिटर्न की बात करें तो 1 महीने का रिटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो -4% का है, 6 महीने का रिटर्न 13% का है, 1 साल का रिटर्न 29% का है, और 3 साल का रिटर्न आप देख पा रहे हो 38% का है, और 5 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 24% का है, और उसी हिसाब से अगर ऑल टाइम रिटर्न देखें जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का, तो इसने 24.5% का रिटर्न अपना मेंटेन किया है। अभी ऐसे बहुत कम ही म्यूचुअल फंड होंगे जो अपना रिटर्न इतना परसेंट का मैनेज कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, क्या क्या इसकी कंडीशन है और कैसा है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये म्यूचुअल फंड जो है वो 81 रुपीज का आपको दिखाई दे रहा है, और आज की तारीख में 81 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, 81.45 का। इसका जो रेटिंग मार्केट में मिला है वो सबसे ज़्यादा 5 का रेटिंग स्टार इसको मिला हुआ है, और इसी के साथ ही मिनिमम SIP आप इसमें 100 रुपये तक की भी कर सकते हो, और इसका म्यूचुअल फंड का जो साइज है वो आप यहाँ पे करोड़ में देख पा रहे हो, ये आपका 13,182 करोड़ का इसका साइज है फंड का। अब हम इस कंपनी के अंदर कौन कौन सी कंपनियां होल्ड कर रही है वो होल्ड कंपनियों के बारे में बताया। तो सबसे पहले है नारायणा हृदयालय, ये एक ऐसी कंपनी है, इस कंपनी का फंडामेंटल हमने खुद से चेक किया है, बहुत ही अच्छा कंपनी का फंडामेंटल है, और ये कंपनी के अंदर कैफेक्स है और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, इक्विटी में रन करती है, और लगभग इसके अंदर इसने 4.6% का अपना हिस्सा बना रखा है ये म्यूचुअल फंड ने, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप चाहे तो इसका फंडामेंटल चेक भी कर सकते हैं। सेकंड कंपनी इन्होंने जो चूज की है वो है CCL प्रोडक्ट्स, इसमें भी बहुत ही बड़ा कैपेक्स आने वाला है, और ये कंज्यूमर की कंपनी है और 3.5% का हिस्सा अपना इसमें डाइवर्ट किया है। उसके बाद आप देखिए ब्रिगेड इंटरप्राइज, ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और ये इसके अंदर भी 3.5% का आपका हिस्सा, 3.4% का हिस्सा लगाया है। फिर आप देख रहे हैं चोलामंडल फाइनेंस होल्डिंग, इसके अंदर ये फाइनेंस की कंपनी है, 3.2% का हिस्सा है। उसी के साथ गैलेक्सी सफिशियंट, देखिए इसके अंदर आप देख पा रहे हो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, 3.2% का हिस्सा है। उसी के साथ ये हेल्थ केयर की फिर से कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक आप देखिए केमिकल की कंपनी है, फिर बिरला सॉफ्ट आप देखिए टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ब्लू स्टार आप देख पा रहे हो कंज्यूमर की कंपनी है, और कैनफिन होम आप देख पा रहे हो फाइनेंस की कंपनी। तो डाइवर्सिफाई इन्होंने इनको कंप्लीट किया है और अलग अलग सेक्टर से अलग अलग सेक्टर का बादशाह चुना है, और इस हिसाब से इन्होंने अपने फंड के अंदर एलोकेट किया है अलग अलग कंपनी। अगर आप यहाँ से बाकी कंपनियां देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख पा रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जेके लक्ष्मी है, ये अलग अलग कंपनियों में इन्होंने टोटली अपना इस फंड को इतना डाइवर्सिफाई बनाया है कि हर एक सेक्टर की एक से बढ़कर एक कंपनी के अंदर इन्होंने अपना फंड को एलोकेट किया है। तो हम इतने डिस्कशन में यहाँ बात नहीं करेंगे, पर आप देखिए मैनकाइंड फार्मा, अभी आप इसके स्टॉक के चार्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं ये कैसा काम कर रहा है। ठीक है, हर एक सॉरी
हर एक अलग अलग जगह इन्होंने अपने फंड को डाइवर्ट किया है। अब इसके अंदर आप देखो तो इक्विटी के अंदर इन्होंने 86% का अपना हिस्सा लगाया है, डेप्ट के अंदर इन्होंने यहाँ पे 13% का हिस्सा लगाया है, और कैश के अंदर इन्होंने माइनर 2% का हिस्सा है। उसी के साथ आप देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्होंने 18% का हिस्सा लगाया, केमिकल में 13%, हेल्थ केयर में 13%, फाइनेंशियल में 12%, टेक्नोलॉजी में 9%, अदर में 8-9%, मेटल और माइनिंग के अंदर 6%, कंज्यूमर के अंदर आप देखिए 5%, कैपिटल गुड्स के अंदर 5%, और लगभग ऑटोमोबाइल के अंदर 6%। इन्होंने इस हिसाब से अपने इस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। अब इसका हम एवरेज रेशियो की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखो 18 का आपको एवरेज रेशियो पे दिखा रहेगा है, बाकी डेल्टा बीटा गामा ये आपके लिए कोई भी काम की चीज़ नहीं है, पी रेशियो वगैरह आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब इसके अंदर आप मिनिमम SIP अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम टू मिनिमम 500 रुपये 100 रुपये तक भी आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं। अब इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस हमने ऊपर की तरफ देखा है, इसका 24% का रिटर्न अभी तक में ऑल रिटर्न इसका 24% का है, और भी स्मॉल कैप में अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं, पर इन सब में आप देखिए केवल 5% का, 5 का रेटिंग केवल एक ही कंपनी का है, और दूसरा ये जो अभी हमने देखा है उसका है, बाकी सबका यहाँ पे देखिए है नीचे ही नीचे दिखाई दे रहा है, बाकी सबका 4% का आपको दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ये जो कंपनी है उसके अंदर आप एक बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। तो अब हम SIP कैलकुलेटर पर जाते हैं और वहां जाके आपको पूरा इसका कैलकुलेशन बताएंगे। तो अब हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर के अंदर। अब यहाँ पे बीच में हम आपसे थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख पा रहे हो जिसमें हमने फ्री लाइव वेबिनार रखा है। ये लाइव वेबिनार सभी स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं या फिर जो थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको हम स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग या मार्केट के जो एनालिसिस है, जैसे अलग अलग फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक टू एडवांस, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, चार्ट का रीडिंग कैसे करें, टेक्निकल कौन कौन से टूल्स होते हैं, एक सिस्टम को कैसे फॉलो करते हैं, उसके साथ आप स्टॉप लॉस या टारगेट आपको कैसे लेना है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड हम इसके अंदर क्लासेस करवाते हैं। ये पूरे फ्री हैं और एवरी संडे हम ये वेबिनार रखते हैं। टाइमिंग हमारा है 4 से 5 बजे के बीच का। आपको 1 घंटे के लिए यहाँ पे ज्वाइन होना है और उसके बाद आपको ये जो ज्वाइन होना है वो गूगल मीट से होना है, यानी आपके पास गूगल मीट का एप्लीकेशन होना जरूरी है। वो लिंक आपको हम व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे, आपको वहाँ से आके ज्वाइन करना है, और इसके अंदर हम आपको टोटल चीज़ें बेसिक टू एडवांस मतलब डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि यहाँ YouTube पे हम डिटेल में आपको नहीं समझा पाते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आप वहाँ पे हमसे लाइव कर सकते हैं। तो आपको अगर रजिस्टर करना है तो मेरा नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये नंबर है, आप WhatsApp पे जाके हमें हाई भी लिख सकते हैं, हमारे तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा और आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप कभी भी ये वीडियो देखें तो आप उसके अंदर हमें कॉल कर सकते हैं, आप कॉल से अच्छा हमें WhatsApp पे रिप्लाई दे तो बहुत ही अच्छा। तो ये तो एक बीच में बेसिक जानकारी थी, अब हम आ जाते हैं वापस अपने ही टॉपिक के ऊपर। तो अब हम आगे SIP कैलकुलेटर के अंदर, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे हमारा SIP के अंदर हम मिनिमम अगर मान लीजिए कि आप 2000 की SIP करते हैं और आप 25 ईयर्स का टाइम लेके चलते हैं। क्यों मैं 25 ईयर्स क्यों ले रहा हूँ, अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं या आप किसी और सेक्टर में हैं, आप मार्केट में ध्यान नहीं दे पाते हैं और आप एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, अगर कोई सरकारी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है तो आपका EPS कटता है, आपके बहुत सारे पगार में से चीजें कट जाती है और बाद में आपको वो पैसा मिलता है, तो आप यही समझिए 2000 आपका EPS वगैरह किसी में कट गया है और आप 25 साल तक इसको रनिंग करिए, आपकी 25 साल तक की जॉब है और एक्सेप्टेड रिटर्न हमने यहाँ पे 24% देखा, उस म्यूचुअल फंड ने हमें 24% का रिटर्न बना के दिया है। अब हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू अगर रन करते हैं तो आप देखिए वेल्थ जो बन के आती है वो एक वेल्थ कितनी बनती है। अब हमारा रिजल्ट नीचे आ चुका है कि हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा किया वो 6 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 2-2 हजार रुपए करके, और उसके ऊपर आपकी जो वेल्थ बन के आएगी वो 3.5 करोड़ रुपए, लगभग 4 करोड़ रुपए की आप वेल्थ बना सकते हैं ये म्यूचुअल फंड से, इतनी ताकत रखता है ये म्यूचुअल फंड। अगर हम इसके 20% अगर हम कर दें, क्योंकि मान लीजिए 4% हम और भी कम करके चलते हैं, अगर हम 20% इसको मैनेज करके चलते हैं तो आप फिर भी यहाँ पे देख पा रहे हो 1.5 करोड़ का आपका अमाउंट इजीली बन सकता है। और अगर आप SIP को बढ़ाना चाहते हैं, आगे जाते हो आप इस SIP को 5,000 रुपये कर देते हैं, देखिए अपने अपनी कैपेसिटी है, कुछ कोई किस हिसाब से कर रहा है, तो अगर आप इसको 5,000 रुपये कर देते हैं तो आपका यहाँ पे जो प्राइस बढ़ के आ जाता है वो सीधा आपका हो जाता है 4.2 करोड़ रुपीस, ठीक है। और अगर आप इसको 24% ही, अगर 24% से भी ज़्यादा अगर ये आपको रिटर्न देने में सक्सेस रहता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका 9 से 10 करोड़ का वेल्थ बन सकता है। तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपकी वेल्थ बना सकता है और आपको एक बड़ा अमाउंट आपके रिटायरमेंट के टाइम पे दे सकता है। तो ये थी हमारी इस म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिटेल में हमारे से मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य ज्वाइन करें वेबिनार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।